पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 सीरीज जो है वो हो सकती है, कोई ब्रैकेट निकाली जाए, कोई अंदर से जगह निकाली जाएगी, 8-10 रोज के लिए 2-3 मैचेस करवा दिए जाएंगे, तो ये चांसेस भी जो हैं, ये चांसेस हैं। अभी कबल इस वक्त कहना जो है वो कुछ भी हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग, हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। बहरहाल ये अभी खैर सगाली का खत है, जैसा कि हमारी पहले भी बात हो रही थी कि ये वही बात हो सकती है कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम, हो सकता है कि ये मैच हो सकता है कि ये किसी तरीके से ना भी हो सके। अगरचे चेयरमैन पीसीबी जो है ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं कर रहे हैं, और क्रिकेट डिप्लोमेसी पर पीसीबी के एक अफसर का ये कहना है कि इशारे मिल रहे हैं, कहा गया है कि तैयारी रखें और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और आपको पता है पिछली बार पाकिस्तान भारत गया था, और अगर इस दफा सीरीज होती है तो भारत को पाकिस्तान आना होगा। जरा ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज खेलने पर ब्रेक थ्रू होता है तो T20 मैचेस के लिए 6 दिन के लिए विंडो जो है वो लगाई जा सकती है, ऐसी मुमकिनात में से है। अगर ये सीरीज काबिले अमल होती हैं तो भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने ही भारत का दौरा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान 2012-13 में आखिरी दो तरफा सीरीज भारत में हुई थी। जुनैद खान ने क्या कमाल उसके अंदर बॉलिंग की थी, और रमा साल भारत में T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, और दूसरी जानब दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी दस्ते की आखिरी कोविड टेस्टिंग जो है वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं, और टीम जो है 35 खिलाड़ियों के साथ ये जो टेस्टिंग करवाई गई थी उसके बाद अब जोहान्सबर्ग के लिए रवानगी हो चुकी है, टीम जो है उड़ान भर चुकी है। पाकिस्तानी दस्ता जो है वो आज उड़ान भर चुका है और अब खेल पेश किया जाएगा वहां पर, और ये बड़ी अच्छी बात है कि खुशाइन बात ये थी कि जाने से पहले सारी टीम के जो टेस्ट थे वो नेगेटिव आ गए, हमारी तमाम टीम जो है। वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी सीरीज का कोई इम्कान नजर आ रहा है, इस हवाले से क्या इत्तला है आपके पास? ओवरऑल देखिए अभी ये बहुत जल्दी होगा, कुछ चीजें अभी इंडिया में ऐसी चल रही है। कल एक प्रोग्राम में मैं था, इंडिया से मुझे लाइन पे लिया हुआ था, तो बेदी साहब वहां पर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे साथ में, उनका कहना ये था कि इस वक्त मोदी साहब जिस तरह इलेक्शन में फंसे हुए हैं, बंगाल का इलेक्शन है, कई और जगहों पे इलेक्शन है, उनके साउथ में इलेक्शन है, लेकिन बंगाल का इलेक्शन उनके लिए डू एंड डाई वाली सूरत हाल रखता है, जिस तरीके के हालात इंडिया में रिसेंट पास्ट में हुए थे, तो उनका असल फोकस तो अभी इस जानिब दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हो, ये जरा इस तरीके की फिगर जरूर है कि स्टैंड फैसला खुद करते हैं, बात खुद करते हैं। माजी में हमने देखा था कि जो हुकूमतें पाकिस्तान और भारत की हुआ करती थी, जयउलक साहब गए थे मैच देखने के लिए, राजीव गांधी साहब आए थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब दोनों हुक्मरान है, वो डिसीजन लेंगे कि आया होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, अगर उसूलन देखा जाए, कानूनन देखा जाए, तो इंडियन टीम को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। ज़का अशरफ के दौर में पाकिस्तान टीम गई थी, और अभी हमजा जिस तरीके से आप जुनैद खान के स्पेल की बात कर रहे थे, बड़ा लाजवाब स्पेल था वो, अच्छा स्पेल करने के बाद आज तक जुनैद खान भी टीम में दिखाई नहीं दिए। तो कहने का मकसद है अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमजा, शायद मेरा अपनी जाती राय ये कि पाकिस्तान में सीरीज फिर ना हो। इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड T20 इंडिया में होना है, और शायद कोई एक विंडो उसी वक्त बनाई जाए कि 3 T20 मैचेस बिफोर वर्ल्ड T20 इंडिया में खेलने। मैं नसीम राजपूत साहब उसी तरफ आ रहा था कि भारत इसमें लीनियंट हो सकता है, भारत की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मशरूत कर रखा है कि हमने भारत जाना है या नहीं जाना है, तो भारत ये पाकिस्तान को ऑफर तो कर सकता है कि हम आपके पास आके सीरीज खेल लेते हैं, आप हमारे पास आके वर्ल्ड कप खेल लें। देखिए वर्ल्ड T20 तो हमें खेलने जाना ही है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमें जाना पड़ेगा। ये ICC भी वैसे दिखाने के लिए है, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ ही नहीं, हम वर्ल्ड T20 खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो ICC कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बात ये कि वर्ल्ड T20 खेलने हम जरूर जाएंगे, एक बात तो तय है, चाहे हमारे शाइकीन को वीजा मिले ना मिले, जो हमने अप्लाई किया हुआ है, हमारे मीडिया को मिले ना मिले, और COVID-19 की वजह से शायद बहुत सारे जवाब बन जाएंगे वीजे ना देने के भी। देखिए ना, बायो सिक्योर बबल बनाना पड़ता है प्लेयर्स के लिए, क्राउड को वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है वो अपनी इस IPL में
कोई ना कोई प्रैक्टिस करें जो अब होने शुरू होने जा रही है, कि कुछ क्राउड को बुला के वो देखें कि हम वर्ल्ड टी20 में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। अगर क्राउड नहीं आ रहा तो पाकिस्तानी शायकीन को वीजे किस बात के। और दूसरी चीज, अब तक ज्यादातर जितनी क्रिकेट हो रही है कोई मीडिया कवर करने नहीं जा रहा है, बिल्कुल। इवन के करंट जो उनके मुल्क का होता है उनके लिए भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त किया जाता है। तो उस लिहाज से हमने शराइत तो रख दी है, लेकिन कोविड के आगे क्या सूरत हाल होती है उसी पे ही डिपेंड करेगा। मैं इसलिए कह रहा था हमजा जी, अब आपको क्वारंटाइन होने के लिए भी एक वक्त दरकार होता है, 10 दिन दरकार होते हैं, 7 दिन दरकार होते हैं, कम से कम भी आपको इतना टाइम गुजारना पड़ता है। तो अगर इंडियन टीम यहाँ आती है तो ऐसी कौन सी विंडो बन रही है इंडियन टीम यहाँ पर? और दूसरी चीज ये कि हम शायद मानने को तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हम इंडिया में ही मैचेस खेल लेते हैं यार। अच्छा, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम माजी में भी करते हुए हैं, जब हमने सीरीज खेली थी वो भी हमारा वक्त था कि हमारे पास आके। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है कदम, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं इस समय किस तरीके के नशे कर रहा है, तो इस नशे के बारे में मुझे पता नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि आप समझ सकते हो। भारत पाकिस्तान के रिश्ते इस समय कैसे हैं, दोनों देशों के एक दूसरे के डिप्लोमेट भी नहीं है। मोदी जी ने पाकिस्तान डे पर पाकिस्तान को एक चिट्ठी लिख दी, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने क्रिकेट की बातें शुरू कर दी। यहाँ तक कि इन्होंने वेन्यू भी डिसाइड कर लिया, यहाँ तक कि इन्होंने शेड्यूल भी फिक्स कर लिया, कोविड का क्वारंटाइन पीरियड के बारे में भी बात कर ली। तो आप समझ सकते हो दोस्तों ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। पाकिस्तानी मीडिया कैसी बातें कर रहा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का एक मतलब माइंडसेट है कि भारत के साथ मैच खेलना है, किसी भी हालत में खेलना है। भारत के साथ आपको पता है अगर मैच खेलते हैं तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि उस बोर्ड को मतलब माला माल हो जाता है बोर्ड। और भारत ने पिछले कई समय से पाकिस्तान के साथ खेलना ही बंद कर दिया है। आपको भी पता है भारत पाकिस्तान की सीरीज लास्ट टाइम हुई थी 2012 में, जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेलने, और उसके साथ साथ कुछ मैचेस हुए थे टी20 के। वो ओडीआई सीरीज तो भारत हार गया था लेकिन टी20 सीरीज भारत जीत गया था, आपको वो शायद सीरीज़ याद होगी। तो पाकिस्तान उसके मतलब ये लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब माइंडसेट क्या है, आपको क्या लगता है भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि आपको भी पता है कि भारत पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और क्या मतलब भारत पाकिस्तान के हिस्ट्री है। तो इस समय भारत पाकिस्तान को रिश्ते बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये जो पाकिस्तान का एक ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है भारत के साथ रिलेशनशिप को लेकर, उसके बारे में भी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।